नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं राजधानी समाचार न्यूज। आइए बढ़ते हैं अब आज की खास खबरों की ओर। खबर पिपरिया से, एसडीएम के आश्वासन पर स्थगित की भूख हड़ताल। पंचमढ़ी छावनी क्षेत्र में पिछले चार दिनों आवास समस्याओं को लेकर भूख हड़ताल कर रहे अनशनकारियों के बीच शुक्रवार को अनुविभागीय अधिकारी नितिन टाले पहुंचे। उन्होंने अनशनकारियों की बात सुनी और उन्हें हर संभव मदद दिलाए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर नियमानुसार जो भी संभव होगा उनके आवास के लिए प्रयास किए जाएंगे। तो वहीं भूख हड़ताल समस्या का हल नहीं है, हम सामंजस्य से इस परेशानी से निजात पाने के प्रयास करेंगे। एसडीएम के आश्वासन पर चार दिनों से भूख हड़ताल कर रहे अनशनकारियों ने अपनी भूख हड़ताल को स्थगित कर दिया। अनशनकारियों को जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया। इसी मौके पर पिपरिया तहसीलदार राजेश बोरा सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। पिपरिया से दीपेश पटेल की रिपोर्ट। हटाकर विस्थापन जो किया जाना है वो पचपड़ी में ही किया जाए, इसी मांग को लेकर इनका अनशन था और इसी बात का इन्होंने ज्ञापन दिया है। तो माननीय न्यायालय के आदेशों के आलोक में जो संभव हो पाएगा बेहतर वो हम करेंगे। सर, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जो स्टे था वो 77-78 लोगों का था, लेकिन अभी डिमांड 350 लोगों की, आप क्या करेंगे इसमें? स्टे ग्रेजुअली जो हटा है, अभी भी 9 WP है जिन पे स्टे है ना, अभी जिनका हटा है केवल अभी उनको ही मूव करेंगे। तो ये लोग कुछ समय भी चाह रहे हैं, हम देखेंगे उसमें आदेश में कितना हम कर पाते हैं, इसके हिसाब से फिर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ तो 350 लोग हैं जो मांग कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? 350 नहीं है, और ज़्यादा है ना, क्योंकि और भी 9 WP लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। तो जैसे जैसे डिसाइड होगी उनको हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.